वाला ब्रांड का रखा है क्या हम सबके द्वारा की गई ओपनिंग कब से शुरुआत गवर्नमेंट का कब से घोषणा और हाईकोर्ट का निर्देश दिया और कब से आपका रोल रहा है सर, सर। प्रभाव क्या पड़ा और भी तमाम योजनाएं जन कल्याण के लिए आपने क्या किया। न्यायिक गढ़वा न्यायिक प्रक्रिया के मनी है योगेश्वर जी, हम बात कर रहे हैं गढ़वा जिला मुख्यालय में पदस्थापित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश्वर मणि जी की, जिनके द्वारा इस कोरोना महामारी में एक साथ जुट करके लड़ने का जहां एक तरफ आह्वान किया गया, वहीं दूसरी ओर इनके द्वारा न्यायालय के साथ साथ बाहर निकल कर भी लोगों के बीच सामग्री का वितरण किया गया, मास्क सैनिटाइजर का वितरण किया गया, खाद सामग्री की भी वितरण की गई। हमारे साथ वो आज खुद मौजूद हैं विशेष बातचीत के लिए, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सर प्रणव विनाश में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जानना चाहेंगे जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई फर्स्ट फेज का, उसके बाद क्या सर के द्वारा पहल की गई। जैसा कि आपको पता है कि 22 मार्च को पूरे देश में जनता कर्फ्यू मनाया गया, वो इस बात का एक प्राथमिक लक्ष्य था सरकार का कि हम एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसके बाद 23 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने लॉकडाउन नंबर एक शुरू किया। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आई कि न्यायिक प्रक्रिया में जब जनता के भ्रमण को, जनता के परिचालन को जब रोक दिया गया तो न्यायिक प्रक्रिया इसे प्रभावित होने लगी। इसी बीच विधिज्ञ संघ ने भी अपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल इंडिया के निर्देश पर उन्होंने क्या किया कि कोर्ट से अपने को एबस्टेन किया, तो कुछ दिनों तक जनता को हम उस तरह का न्याय नहीं दे सके जो न्याय देना चाहिए था। लेकिन बाद में धीरे धीरे हमको भी लगा और हमारे ऊपर से जब आदेश आने लगे कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने मामले का निष्पादन करें, तो हम लोगों ने बीपी, एबीपी और इंजंक्शन जैसे अर्जेंट मामले सारे न्यायिक पदाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत सुनना प्रारंभ किया। इसमें पहले चरण में हमने जो एसडीजीएम का कोर्ट है उसको एडवोकेट के लिए हमने आइडेंटिफाई किया। आपको बता दें कि गढ़वा सिविल कोर्ट इस मामले में बड़ा लकी है कि हमारे यहाँ 9 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है 9 न्यायालयों में, तो एक न्यायालय को हमने एडवोकेट को दे दिया कि आप अपने मामले को यहाँ से प्रचालित करें और बाकी 8 न्यायालयों में हमारे पदाधिकारी बैठकर मामले की सुनवाई कर रहे हैं। अभी तक कल मैंने 4 मई 2020 तक 165 मामले ईमेल के द्वारा फाइल किए गए, क्योंकि सीधे न्यायालय में आकर के फाइल करने की प्रक्रिया भी रोक दी गई। तो 165 मामले फाइल किए गए जिसमें सभी मामलों पर हमारी सुनवाई हुई। और आज के दिन ऐसी स्थिति है कि अब अधिवक्ता गण भी अब धीरे धीरे यूज्ड टू हो रहे हैं इस व्यवस्था में और ईमेल के द्वारा मामलों के फाइल करने की प्रक्रिया में तेजी आ रही है। और उसी सिलसिले में आज विधिज्ञ संघ के अधिवक्ता और वरीय माने अध्यक्ष और सभी वरीय अधिवक्ता गण के साथ एक बैठक आहूत की गई, जिसमें आधे घंटे विचार विमर्श के बाद हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम लोग कल से सारे न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सभी मामलों को की सुनवाई प्रारंभ करेंगे। सर अमूमन लगातार आप भी वाकिफ होते रहते हैं जिला के लोगों से न्यायिक प्रक्रिया के तहत, तो अगर लोग साक्षर होते, लोग जागरूक होते तो इतने मामले भी नहीं होते सर को मालूम है। तो जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई सर, तो सर के द्वारा जागरूकता भी चलाया गया सुदूर गांव में जा करके, तो किस तरह लोग जागरूक नहीं थे, उनको किस रूप में जागरूक किया गया, जो अमूमन जागरूक किया जाता है विधिक जागरूकता के तहत भी सर। देखिए आजकल चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, और धीरे धीरे हमारे पास 27 PL भी हैं, और मैंने स्वयं अपने अधिकारियों के साथ जब धीरे धीरे लोग एक जगह गैदर होने लगे और ऐसा लगा कि नहीं संक्रमण फैल सकता है, तो हमने अपने स्वतः पहल करके अपने न्यायिक पदाधिकारियों के साथ जाकर बार के बिल्डिंग को बंद करवाया। यहाँ जो ताइद भवन है उसमें हमने अपना ताला लगवाया ताकि लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें, ताकि यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे में न फैले।
बाद में जब ये पता चला कि नहीं, न्यायालय बंद होने से बहुत लोग ऐसे हैं या आवागमन बंद होने से बहुत घरों में खाद्य का प्रॉब्लम हो रहा है, खाने पीने की दिक्कत हो रही है, तो हमने तत्काल यह निर्णय लिया अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार की हैसियत से। हमने इस संबंध में डीसी से बात किया, एसपी से बात किया और अपने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा को निर्देश दिया कि आप प्रतिदिन 200 से 250 लोगों को खाना बनवाएं और खिलाएं, जिसका प्रारंभ 12 अप्रैल को हमने लगमा से शुरू किया था। लगमा में यद्यपि हम 200 आदमी के लिए भोजन की व्यवस्था करवाए थे 250 के लिए, लेकिन वो भीड़ बढ़ती गई और करीब करीब 400 लोगों को हमने भोजन करवाया। उसके बाद हमने करमडीह में 300 लोगों को भोजन करवाया, पेशका में 300 लोगों का खाना बनवा के भिजवाया और रेहला के पहले एक उरसुगी एक गांव है मेन रोड पर, वहां भी हमने करीब करीब 300 से 400 आदमी का भोजन बनवा के हमने वहां एक एक करके सबको खिलवाया। और उसके बाद से जब मुझे लगा कि नहीं, भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है, नियंत्रण करना मुश्किल हो जा रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में कभी कभी चूक जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया कि मैं प्रतिदिन एक दिन गैप करके, माने एक आज तो एक परसों, एक कुंटल से लेके 1.5 कुंटल चावल का वितरण, 2-2 किलो में एक एक बैग में पॉलीथीन में 2 किलो चावल, एक डिटॉल का साबुन और कहीं समझिए कि बिस्कुट या ब्रेड, माने मैंने बहुत कुछ की करना शुरू किया है और ये मेरा संकल्प जारी है। और आज के दिन भी हमारी टीम 3 बजे 1 कुंटल से 1.5 कुंटल चावल लेकर के वितरण के लिए निकलने वाली। सर आप एक ऐसे गांव में भी गए थे जहां पर मुसहर परिवार लोग निवास करते हैं, उनके सामने खाने की दिक्कत थी, वहां पर गए सर आप वितरण किए, तो कैसे लोगों की भावना थी लोग आपको देख करके, अनाज को देख करके? देखिए जब तक हम गाँव में नहीं निकलते हैं, आपको पता है कि यह देश कृषि प्रधान देश है और अभी भी बहुतायत घरों में प्रतिदिन कमाने और खाने की ही योजना है। सुबह कमाएंगे, दिन भर कमाएंगे तो शाम को भोजन मिलेगा। जब हम लोगों से रूबरू हुए तो हमको ये पता चला कि अभी भी देश में गरीबी गाँव में जाने पर दिखती है और लोग जो अभाव में, तो यह तो संभव नहीं है कि हम सबको सब कुछ दे सकें, लेकिन न्यायालय परिसर में आने वाले लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में जो कमी मिलती है वो हम पूरा करते हैं। और बाहर आजकल हमारी टीम प्रति एक दिन के बाद, हर एक दिन के अंतराल पर हम 1.5 कुंटल चावल बांट रहे हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि कल तक हमने 48,000 का सामान हमने कल तक वितरित कर दिया है, जबकि आज भी हम 3 से 3,500 औसत 4,000 से 5,000 का सामान हम प्रतिदिन वितरण कर रहे हैं। और ये हम वितरण कर रहे हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पास जो मेरा फंड है, हमने जो जनता पर कास्ट लगाया था, जनता का पैसा हमने जो दूसरे रूप में वसूला था, वही पैसा हम पुनः जनता के बीच में भोजन के निमित्त ले जा रहे हैं ताकि जनता अधिक से अधिक भोजन का लाभ प्राप्त कर सके। सर जो हम लोग देख रहे हैं इस लॉकडाउन में सर, अस्पताल के दृष्टिकोण से हो या पुलिस थाना में, तो मामले बहुत कम आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो चाहे ऐसे भी तबीयत खराब हो, लोग लॉकडाउन है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सड़कों पर नहीं आकर निकल रहे हैं, इसका दुर्घटना भी नहीं हो रही है, जो दुर्घटना की से बखूबी वाकिफ है सर, तो ऐसे में न्यायालय में मामले की संख्या कितनी कम होगी? देखिए न्यायालय में अभी तो यह इस सच्चाई से हम अपने आप को नहीं कहेंगे कि मैंने यह, आप ये चीज़ जान लीजिए कि जब से ये लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है तब से मामलों के दाखिल होने की संख्या में कमी आ गई, लेकिन जब से अधिवक्तागण को यह पता चला है कि हम ईमेल के द्वारा केस फाइल कर सकते हैं, तो वो लोग ईमेल के द्वारा केस फाइल करते हैं। गढ़वा का एक मेल का साइट बना हुआ है, उस पर आकर के आप केस फाइल कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि 165 केस कल तक फाइल हो चुका था और उसमें अधिकांश का हम लोगों ने निस्तारण भी कर दिया है। रहा सवाल कि आप जानते हैं कि जब इतने बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ, चाहे वो यूरोप की हो या अमेरिका की, जब वो कोरोना का नियंत्रण सीधे तौर पर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे देश में साधन तो वैसे भी सीमित है, अस्पतालों की कमी है, आईसीयू की कमी है, सीसीयू की कमी है। तो हम यहाँ एक दिन हमारी बात हो रही थी जो गढ़वा जिला के आईएमए के सचिव हैं निशांत जी,
उनसे हमारी बातचीत हो रही थी कि आप लोग और हम लोग मिल के इसको कैसे टेकल करें। तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग किट बाहर से मंगा रहे हैं, मास्क का वितरण कर रहे हैं, सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं, और जहां भी लोगों को सिम्टम दिख रहा है हम लोग उसको तेजी से क्वारंटाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी तेजी से फैल रहा है यदि वो एक दूसरे के संपर्क में आ रहा है। सिम्टम को आपको पता है कि बताया गया था कि अगर आपको बुखार है, आपको खांसी आ रही है, नाक से आपके पानी गिर रहा है, या अब तो धीरे धीरे ऐसा भी आने लगा कि अगर आपके शरीर में कहीं कोई चकत्ता भी पड़ रहा है, दाग पड़ रहा है, तो ये भी एक सिम्टम आया है। तो अब इस विषय में जो जितने भी चिकित्सक हैं या जो पैरामेडिकल फोर्स कह लीजिए आप उनको, वो सारी फोर्स अभी देश को बचाने में लगी हुई है। हाँ, ये चीज़ हम लोगों को स्वीकार करना होगा कि जितनी तेजी से देश में लोगों को टेस्ट करना चाहिए उतना टेस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि शुरू में केवल 200 लैब ही सरकार तैयार कर पा रही है जहां कोरोना का टेस्टिंग हो रहा है, और गढ़वा और पलामू में एक या दो अस्पताल ही ऐसे हैं जिनको यह मैंने यह कहिए कि आइडेंटिफाई किया गया है, चिन्हित किया गया है कि अगर गढ़वा जिले में पेशेंट मिले, यद्यपि यह बड़ी बड़ा शुभ संकेत है कि 26 अप्रैल के बाद गढ़वा में अभी कोई नहीं मिला, और जो पहला पेशेंट हमको मिला था 22 या 23 अप्रैल को, उसका दूसरा टेस्ट निगेटिव आ गया। तो ये बड़ा सुखद सूचना है, और जो दो बच्चे और प्रभावित हैं अभी वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अब तक की जो सूचना आ रही है उस हिसाब से अभी हमारा गढ़वा जिला सुरक्षित है। सर देख रहे हैं कि मजदूर लोगों को मंगाया जा रहा है, जो बाहर मजदूर फंसे हुए थे, लाना भी जरूरी था क्योंकि वहाँ काम बंद हो गया है, मजदूरी नहीं मिल रहा है, विकट स्थिति उनके सामने, तो उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। सर उनके लिए क्या आप करना चाहेंगे, वो किस तरह से रहें कि संक्रमण आने से जल्द से बच सके। सर देखिए, इसमें एक ही है स्लोगन कह लीजिए कि आप अपने आप को जितना नियंत्रण रखेंगे वह आपकी सुरक्षा के लिए उतना ही अच्छा होगा। इसमें आप कम से कम दूसरे व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी पर रहें, यही नहीं आप अपने परिवार में भी अगर रहें और संभव है तो आप अपनी पत्नी और बच्चों से कम 1 मीटर की दूरी पर रहें। क्यों? क्योंकि यह संक्रमण अपना प्रभाव 14 दिन के बाद दिखा रहा है, तो अगर हम शुरू से सचेत नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि अगर हम संक्रमित हो चुके हैं तो हम अपनी पत्नी और अपने बच्चों को या अपने संपर्क में रहने वाले लोगों को बड़ी तेजी से इसका संक्रमण फैला सकते हैं। इसलिए सचेत रहें, सावधान रहें और एक दूसरे से दूरी बना के रखें। इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि सरकार अपने स्तर से उतना कर रही है जितना वो कर सकती है, और 135 करोड़ लोगों की व्यवस्था करना किसी भी सरकार के लिए अचानक संभव नहीं है, जबकि ऐसी महामारी अचानक दस्तक दे और जिसका कोई निदान न हो, न कोई वैक्सीन हो, न अपना कोई फिक्स सिम्टम हो, तरह तरह रिसर्च चलता जा रहा है और सिम्टम इसके बदलते और बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में मेरा गढ़वा वासियों से यही आग्रह है कि आप एक दूसरे से दूरी बना के रखें, और किसी व्यक्ति में अगर सिम्टम दिखाई दे तो कृपया इसे छुपाने का प्रयास न करें और प्रशासन को इसकी तत्काल सूचना दें ताकि आपको क्वारंटाइन किया जा सके, और मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है तो आपको तत्काल मेडिकल सुविधा दीजिए। सर जिस तरह देखा जाए लॉकडाउन अगर ख़त्म भी होता है 17 मई को और सब चीज़ सामान्य भी होता है, ऐसा संभावना जैसा नज़र नहीं आ रहा है, तो जो सर पहल किया गया है सर द्वारा यहाँ सोशल डिस्टेंस का मामला लेने का, तो उसके बाद अनुपालन कैसा होगा? देखिए, हम तो जिस खतरे का पूर्वानुमान हम कर सकते हैं उसका पूर्वानुमान हम अभी करके उस तरह की रणनीति बना रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही चल रही है, हम लोग जमानत पर सुनवाई कर रहे हैं, सारे पदाधिकारी एक निश्चित समय पर सुन रहे हैं, अधिवक्तागण भी कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन यह मान के चलिए कि 17 मई इसका अंतिम दिन नहीं, क्योंकि यह एक ऐसा छुपा रुस्तम है कि कब ये किसके बीच में प्रकट हो जाए और कौन कहाँ इससे पीड़ित मरीज मिल जाए इसका पूर्वानुमान नहीं किया सकता। जैसा कि आप प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से देखे हैं कि करीब करीब 9.5 लाख लोग गढ़वा में आने वाले हैं,
तो 9.5 लाख कम नहीं होते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से गढ़वा में आ रहे हैं, जिसमें दिल्ली भी है, मुंबई भी है, बंगलौर और हैदराबाद भी है, जहां इंदौर भी है। ये वो इलाके हैं जो रेड जोन घोषित किए जा चुके हैं। यहां तो रांची से भी आने वालों की संख्या बढ़ रही है जो पहले से रेड जोन है, और जहां पीड़ितों की संख्या लगभग लगभग अब 100 के करीब हो गई। तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल सावधानी ही इसका बचाव है, बाकी चिकित्सक उपलब्ध कराना या भोजन देना ठीक है, सरकार भी दीदी किचन चला रही है, हमको भी जहाँ से पता चल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है भूखों मर रहा है या भूखमरी के कगार पर है, हम त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने सचिव को चावल के साथ, अन्य सामग्रियों के साथ बिस्कुट भेज रहे हैं, ब्रेड भेज रहे हैं, हाथ धोने के लिए हम डिटॉल का साबुन भेज रहे हैं, मास्क अगर संभव हो जुट जा रहा है तो हम वो भेज रहे हैं, ताकि जनता जागरूक हो और इस बीमारी की गंभीरता को समझे। क्योंकि जब तक आप बीमारी की गंभीरता नहीं समझेंगे तब तक आप उसका निदान नहीं कर पाएंगे, और आप उसकी गंभीरता को समझे बगैर आप उससे बचने का प्रयास नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपने सुना कि इस बीमारी के गंभीरता को समझे बिना आप उससे बच नहीं पाएंगे, उसके जद में आ जाएंगे। फिर सर ने कहा कि 17 मई जो डेडलाइन बताया गया है, 17 मई के बाद हो सकता है लॉकडाउन खुल जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिस तरह संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है देश में, और जगह से सूचना जो आ रही है, साथ ही साथ अपने यहाँ अपने जिले में जो जिस तरह बाहर से लोग लाए जा रहे हैं, कौन कहाँ से आ रहा है, कोई कोई संक्रमण एरिया से आ रहा है, वहाँ पर काम करता था, तो इस तरह से सबको बचने की जरूरत है, सबको एहतियात बरतने की जरूरत है, सावधान में रहने की जरूरत है, क्योंकि जब हम सावधान रहेंगे तभी इसके जन्म में आने से हम बच सकेंगे। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।